वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हम सिमुलेशन की लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं। दो पार्ट्स में मैंने वो कवर अप किया। नाउ ये हमारा सिमुलेशन लैंग्वेज का थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज सिमुलेशन मॉडल को डिजाइन करने में यूज की जाती है। तो फर्स्ट जो हम लैंग्वेज लेकर चल रहे हैं वो हम लेकर चल रहे हैं सिमस्क्रिप्ट लैंग्वेज को। सिमस्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये एक इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज रहती है। इसके अंदर हमारे दो तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक स्टार्ट इवेंट होगा और एक स्टॉप इवेंट रहेगा। तो ये इवेंट ओरिएंटेड है, जिसके अंदर हम एक्टिविटी एंड प्रोसेस के ऊपर कम्प्लीटली फोकस करते हैं। सिमस्क्रिप्ट के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में आए थे, कुछ ही स्ट्रॉन्ग वर्जन्स थे, कुछ वर्जन्स में इम्प्रूवमेंट की नीड थी, तभी हमारे पास जो है नेक्स्ट वर्जन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए मार्केट के अंदर। आइए इसको पढ़ते हैं। सिमस्क्रिप्ट इज एन इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड एट रैंड कॉरपोरेशन। रैंड कॉरपोरेशन में इसको डेवलप किया गया इस कंपनी के अंदर 1960s के अंदर। और जो फर्स्ट रिलीज इसका निकाला गया, सिमस्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन निकाला गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1962 में किया गया था। इट वॉज अंडरगोन मैनी वर्जन एंड इम्प्रूवमेंट्स, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिमस्क्रिप्ट 1.5, 2 एंड 2.5। तो ये हमारे पास फोर वर्जन आए थे। सबसे पहले सिमस्क्रिप्ट आया, फिर सिमस्क्रिप्ट 1.5, 2 एंड लास्ट में 2.5 को डिजाइन किया गया। नेक्स्ट ये रखा है स्टूडेंट, सिमस्क्रिप्ट 2 जो है वो लर्न की जाती है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के अंदर। सिमस्क्रिप्ट का जो कंसेप्ट होता है स्टूडेंट, लेवल बाय लेवल चलता है। इसके अंदर टोटल 5 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल के अंदर किसी भी सिंटेक्स, किसी भी स्ट्रक्चर को मुझे फॉलो अप नहीं करना। इसके अंदर ये सिंपल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होती है, लाइक जैसे हम एल्गोल यूज करते हैं, एल्गोल यूज कर लिया, या फिर हम जो ये बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसके अंदर हमें किसी भी सिंटेक्स, किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो अप नहीं करना होता, जहां पर जो लैंग्वेज सिंटेक्स फ्री है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फ्री है, फॉर्मेट फ्री है, और प्रोग्रामिंग करना जिसमें बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, तो वो हमारा लेवल 1 के अंदर था। जैसे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया, रीड एक्स वाई एंड एन। मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को रीड किया, प्रिंट 1 लाइन विद एक्स वाई, एक्स डिवाइड बाय वाई एंड एन स्क्वायर एज फॉलोज। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, सिंपली इनपुट ले रहे हैं मेमोरी से एक्स वाई और एन का। और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम इवेल्युएट कर रहे हैं एक्स डिवाइड बाय वाई और एन का स्क्वायर, हम इसमें यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं, और उनकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट लेवल 2। लेवल 2 जो है वो सिंपली डिस्क्राइब की गई थी फोर्ट्रान प्लस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फोर्ट्रान का मीन्स होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो लिटिल बिट कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटेशन के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है, ऐसे ही सिमस्क्रिप्ट का लेवल 2 था। इस लेवल पे हम यूज करते हैं मॉड्यूलर अप्रोच का कंसेप्ट। मॉड्यूलर अप्रोच का मीन्स होता है कि मेन फंक्शन को डिवाइड करना होता है सब फंक्शन के अंदर या सब रूटीन्स के अंदर। तो स्टूडेंट मॉड्यूलर अप्रोच के अंदर हमारे पास दो अप्रोचेज आती हैं। फर्स्ट आती है टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच आएगी बॉटम अप अप्रोच। तो ये दो तरह की अप्रोचेज आती हैं अपने पास, जो हम लेवल 2 में मॉड्यूलर अप्रोच का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। लेवल 3 के अंदर इट इज एन अलजेब्रिक प्रोसीजरल लैंग्वेज लाइक एल्गोल। तो इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस का कंसेप्ट रहता है, जिसके अंदर हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। लेवल 4 के अंदर इट इज यूज टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड सेट्स। अब इसके अंदर क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिमस्क्रिप्ट है वो इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसके अंदर हमें एंटिटीज को, इवेंट्स को, एक्टिविटीज को, उनके बीच में यूज होने वाले वेरिएबल्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हैं, उन सब के ऊपर फोकस करना होगा। तो लेवल 4 के अंदर हम सभी के सभी क्या लेकर चलेंगे, एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स का सेट लेकर चलेंगे। इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो रिलेशनशिप कई मल्टीपल टाइप से हो सकता है। 1-to-1 हो सकता है, 1-to-many हो सकता है, 1-to-many भी पॉसिबल है, एंड 1-to-many भी पॉसिबल रहेगा। तो ये कंसेप्ट हमारा रिलेशनशिप का कंसेप्ट रहेगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इट इज यूज टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड सेट।
An entity is a program element similar to subscripted variable. When an entity is created, it can be interpreted as a general definition. तो एक generic definition दी जाती है किसी भी entity को. Like मैंने कोई एक employee की definition ली, तो employee company के सारे employees आ जाएंगे उसके अंदर, सिर्फ एक person से related नहीं होगा. तभी इसमें बोला गया कि जो entity रहेगी वो एक generic definition के ऊपर रहेगी जो एक class को represent करेगी. Like मैंने कोई teacher की बात की तो teacher single नहीं होगा, teacher की class होगी कंप्लीट, जिसमें सारे टीचर्स आ जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कॉलेज और स्कूल्स के. फॉर अ क्लास ऑफ एंटिटीज, तो एंटिटीज की क्लास हो जाएगी. इंडिविजुअल एंटिटीज हैव वैल्यूज, जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो उस एंटिटी के स्टेट को डिफाइन करती है. जैसे अब मैंने एक एंटिटी लिया एम्प्लॉय, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, एज हो गया, सैलरी है, एक्सपीरियंस हो गया, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, तो ये सब चीज़ें इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट लेवल आता है, लेवल 5. इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ चेंज स्टेट्स, दैट इज डायनामिक ऑफ मॉडल. इट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग सिस्टम डायनामिक्स, फॉर मॉडलिंग स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम एंड ऑल्सो फॉर मॉडलिंग डिबगिंग एंड एनालिसिस. लेवल 5 के अंदर हमारे पास जितना भी एंटिटीज की स्टेट चेंज हुई या फिर जो भी हमने रिपोर्ट मेंटेन की, जो सिस्टम को कंट्रोल करती है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, या फिर सिस्टम को मुझे प्रॉपर एनालाइज करना है कि कहाँ पर एरर रहा या फिर कहाँ पर एरर फ्री प्रोसेसिंग हुई. डिबगिंग करना मतलब होता है टेस्टिंग करना, एरर्स को फाइंड आउट करना, और एनालिसिस का मतलब होता है एक्यूरेसी को चेक करना, जहां पर हम सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी को चेकआउट करते हैं. तो वो हमारा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो लेवल 5 के अंदर रहेगा. तो स्टूडेंट ये अपने पास था सिम्स्क्रिप्ट के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लैंग्वेज को कवर अप करेंगे.